All of you, in the previous class we have discussed about the chapter first, which is related to my struggle for an education. Now we are going to describe about the second chapter, that name is the brave girl. About the lessons padhenge sabse pehle hum. Malala Yousafzai, the Pakistani woman's rights activist who became the youngest ever person to be awarded the Nobel Prize when she won the Nobel Prize in 2014. Malala Yousafzai ne Pakistani woman's राइट्स जो थे, महिलाओं के जो अधिकार थे उसके बारे में है. इन्होंने यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में जो नोबेल प्राइज़ जीता था वुमेंस के लिए, वो मलाला यूसुफ़ज़ई थी. नोबेल प्राइज़ जीता था इन्होंने. टाइटल है हमारा द ब्रेव गर्ल. दैट मींस क्या है चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा हम. और एक चीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ बेटा कि मैंने चैप्टर थर्ड भी आपका रीड करा दिया है, और अभी थर्ड के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वगैरह नहीं हुई हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर रीड नहीं कराया गया था. और मे भी जो बच्चे आवास विकास के चंद्रशेखर स्कूल से हैं उनका मे भी आगे भी चैप्टर करा दिए गए हों, लेकिन अगर मैम ने रीड करा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो आप अच्छे से कर लीजिए और उसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई नुकसान नहीं करती है, लेकिन कम पढ़ेंगे तो ज़रूर नुकसान हो जाएगा. ठीक है, चैप्टर में चलते हैं बेटा. इट हैज़ ओनली बीन 5 years सिंस पाकिस्तानी स्कूल गर्ल मलाला यूसुफ़ज़ई रोट एन एनोनिमस डायरी अबाउट द लाइफ अंडर तालिबान रूल इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान. इट हैज़ ओनली बीन 5 years सिंस, 5 साल ही हुए थे पाकिस्तानी स्कूल गर्ल, पाकिस्तान के स्कूल की एक लड़की थी मलाला यूसुफ़ज़ई, रोट एन एनोनिमस डायरी. एक एनोनिमस मतलब अज्ञात, गुमनाम, बिना किसी नाम के एक ऐसी डायरी लिखी थी, वो भी किसकी किसकी, अबाउट लाइफ अंडर तालिबान. तालिबान जो थे वो राज कर रहे थे द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी एरिया में. सिंस देन सी हैज बीन शॉट इन द हेड बाय द मिलिटियंस, और तब उसे मिलिटियंस जो थे उन्होंने गोली मार दी थी सिर पर. सी हैड बिकेम द यंगेस्ट पर्सन एवर टू विन द नोबेल पीस प्राइज, और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे यंगेस्ट महिला बनी थी. मलाला यूसुफ़ज़ई वाज़ बॉर्न ऑन 12th जुलाई 1997 के 12th जुलाई को बॉर्न हुई वो इन मंगोरा, मंगोरा में द लार्जेस्ट सिटी इन द स्वेट वैली, और स्वेट घाटी में सबसे बड़ा शहर था. सी इज़ द डॉटर ऑफ द जियाउद्दीन एंड टोर पेकाई यूसुफ़ज़ई एंड हैज़ 2 younger brothers. जियाउद्दीन उसके पिता का नाम था, टोर पेकाई यूसुफ़ज़ई एंड हैज़ 2 younger brothers. टोर पेकाई यूसुफ़ज़ई एंड मदर का नाम है उसकी, एंड हैज़ 2 younger brothers, और उसके 2 छोटे भाई थे. एट अ वेरी यंग एज, और छोटी सी कम उम्र में ही मलाला डेवलप्ड थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसे नॉलेज की, ज्ञान की भूख लगी थी, ज्ञान की प्यास लगी थी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करना चाहती थी. फॉर ईयर्स, सालों तक हर फादर अ पैशनेट एजुकेशन एडवोकेट हिमसेल्फ, उसके जो पिता थे एडवोकेट हिमसेल्फ, पैशनेट एजुकेशन मतलब गुस्सैल, क्रोधी, जो भावुक हो, जो लोगों के दर्द को समझ सके, वो होता है पैशनेट. वकील थे वो. ही रैन अ लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन द सिटी वो, एंड स्कूल वाज अ बिग पार्ट ऑफ द मलाला फैमिली. मलाला की फैमिली से जो था वो स्कूल का बहुत अहम रोल था. सी लेटर रोट दैट हर फादर टोल्ड हर स्टोरीज अबाउट हाउ शी वुड टोटल इनटू क्लासेस हेवन बिफोर शी कुड टॉक एंड एक्टेड एज इफ शी वर द टीचर्स, और अपने क्लास के दिनों में वो ऐसे ही एक्ट किया करती थी कि इफ़ अगर वो टीचर बन जाएगी तो कैसे करेगी वो. इन 2007 और 2007 में व्हेन मलाला वाज 10 years old, और जब मलाला 10 साल की थी, द सिचुएशन इन द स्वेट वैली रैपिडली चेंज फॉर हर फैमिली एंड द कम्युनिटी, उसके परिवार वालों के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए जो परिस्थितियां थी वो बदल चुकी थी. द तालिबान बिगन टू कंट्रोल द स्वेट वैली, तालिबान कंट्रोल करने लगे थे स्वेट वैली को. द क्विकली बिकेम द डोमिनेंट सोशल पॉलिटिकल फोर्स थ्रू आउट द मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न जो था वो काफ़ी फोर्सली उस पर जो था वो डोमिनेंट होने लगे थे. पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल फोर्स, सामाजिक और राजनीतिक दबाव तो बहुत सारे वहाँ पर. गर्ल्स वर बैंड फॉर अटेंडिंग द स्कूल्स, लड़कियों को बैन कर दिया गया स्कूल जाने के लिए. एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़, और कोई भी सांस्कृतिक जो एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप, वो नहीं कर सकते थे, लाइक अ डांसिंग, वॉचिंग टेलीविज़न वर द प्रोहिबिटेड.
डांस करना और टेलीविज़न देखना ये सब मना था गर्ल्स को. सुसाइड अटैक्स वर अ वाइड स्प्रेड एंड द ग्रुप मेड इट्स अपोजिशन टू अ प्रॉपर एजुकेशन फॉर गर्ल्स. सुसाइड अटैक्स जो थे, आत्महत्या जो थी, वो बढ़ रही थी. एंड द ग्रुप मेड इट्स अपोजिशन टू प्रॉपर एजुकेशन फॉर अ गर्ल्स. और बहुत सारे ग्रुप ने ये बना लिया था कि गर्ल्स को हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी है. अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इस टेरर कैंपेन, और उसका एक हिस्सा भी थे कैंपेन का. कैंपेन का मीन्स अभियान होता है. बाय द एंड ऑफ द 2018 और 2008 के अंत में तालिबान हैड डिस्ट्रॉयड द सम 400 स्कूल्स. और तालिबानियों ने कम से कम 400 स्कूल नष्ट कर दिए थे, तबाह कर दिए थे. डिटरमाइंड टू गो टू द स्कूल एंड विद अ फर्म बिलीफ इन हर राइट टू एन एजुकेशन, अपने मन में स्कूल जाने के लिए दृढ़ कर लिया और एजुकेशन पाने का जो अधिकार था उसका जो विश्वास था. दैट मलाला स्टूड अप टू द तालिबान. उसने खुद को, उसके दृढ़ निश्चय कि हमें एजुकेशन पानी है, इस विश्वास ने उसको तालिबानों के खिलाफ खड़ा किया. अलॉन्ग साइड हर फादर मलाला क्विकली बिकेम अ क्रिटिक ऑफ देयर टैक्टिक्स. और अपने वार्तालाप में वो धीरे धीरे क्रिटिक्स होती गई, मतलब कटाक्ष करती गई लोगों को. हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई बेसिक राइट टू द एजुकेशन. उसका कहना था कि हाउ डेयर, कैसे इनकी हिम्मत है कि वो मेरे बेसिक एजुकेशन को, जो मेरी आधारभूत शिक्षा है, उसको कैसे मुझसे दूर कर सकते हैं. सी वन सैड ऑन द पाकिस्तान टीवी. उसने ऐसा पाकिस्तानी टीवी पर कहा था. इन अर्ली 2009 और 2009 में मलाला स्टार्टेड टू ब्लॉग एनिमोमसली ऑन द उर्दू लैंग्वेज साइट ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन दैट नेम्स ऑल्सो द बीबीसी. बीबीसी पर एक ब्लॉग भी लिखने लगी थी एनिमोमसली, मतलब बिना किसी नाम के, अज्ञात के गुमनाम के वो ब्लॉग लिखने लगी थी उर्दू लैंग्वेज में. एनिमोमसली का मीन्स हो गया बिना किसी नाम के. ब्लॉग मीन्स हम समझते होंगे जब भी हम कोई चीज़ जैसे व्हाट्सअप पे या फिर ट्विटर है या फेसबुक है, इस पर देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे क्रिटिक्स आते हैं कि समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न था. दैट इज़ द ब्लॉग्स. ओके, आप जब भी यूट्यूब पे या गूगल पे कुछ भी डालते हैं तो उसके नीचे जो पेजेस लिख के आते हैं ना, दैट इज ब्लॉग. सी रोट अबाउट द लाइफ इन द स्वेट वैली अंडर तालिबान रूल, और तालिबानों के अंदर में कैसी उनकी लाइफ चल रही थी वो उसमें लिखती थी वो. एंड अबाउट हर डिजायर टू गो टू स्कूल, और अपनी इच्छाओं के बारे में कि वो स्कूल जाना चाहती है, यूजिंग द नेम गुल मकाई. जो अपना नाम वो यूज़ कर रही थी वो गुल मकाई के नाम से. सी डिस्क्राइब बींग फोर्स टू स्टे एट होम. वो फोर्स कर रही थी इस चीज़ को कि घर पर हमें नहीं रहना है. एंड सी क्वेश्चन द मोटिव्स ऑफ द तालिबान, और उसकी तरफ जो इशारा कर रही थी, जो अपने सवालों को दाग रही थी, सवाल पूछ रही थी. सी सैड, उसने ये भी कहा था, क्या वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड. दैट मीन्स एक बच्चा, एक अध्यापक और एक किताब और एक पेन कैन चेंज द वर्ल्ड. पूरा संसार बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं. तो ये बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा है. इसके आगे रीडिंग हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें. अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन का अगर सबसे बेनिफिशियल्स हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है तो ये मिल रहा है कि हम उस चीज़ को दो तीन चार बार जितनी बार मन है आप देख सकते हैं. उड़ते बैठते लेटते आप कैसे भी खाना खाते भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. होगी चैप्टर रीडिंग है तो आप कैसे भी, आपको समझ में आना चाहिए. ओके, तो आई होप दैट यू विल ऑल रीड एट होम, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. थैंक टू ऑल ऑफ यू.